राम राम जी, आपने ऐसे लड़के तो देखे होंगे जिनके अंदर हर समय फुर्ती रहती है और वो खुश भी रहते हैं, पूरा पूरा दिन हंसते खेलते रहते हैं। किसी भी तरह की टेंशन अगर उनको हो जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, और उनके अंदर पूरा पूरा दिन एनर्जी और फुर्ती रहती है। अगर मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊँ तो इस तरह के शरीर के लिए दो चीज़ें सबसे ज़रूरी होती है। पहला, वीर्यवान होना इंसान का, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। जब कोई इसको रोक कर रखता है तो वो अपने आप में मस्त रहता है, एनर्जी का भरपूर भंडार उसके अंदर बनता चला जाता है। दूसरी चीज़ है एक अलग प्रकार का ताकतवर आहार, न्यूट्रिशन भरपूर, वो भी नेचुरल। हमारी बॉडी में एनर्जी फुर्ती पूरा दिन हम कैसे रख सकते हैं, उनके टिप्स भी दूंगा और साथ में कुछ ऐसे कारण भी बताता चला जाऊंगा जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी को कम करते हैं। क्या आप जानते हो, हमारे दिमाग में चलने वाले फालतू के विचार या फिर अश्लील विचार या फिर फोन में हम अपना दिमाग लगाते हैं फालतू की चीज़ों में, अपने आप जो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं हमारे दिमाग में, फालतू हम जोर जोर से बोलते रहते हैं, ये सब चीज़ें हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा एनर्जी खाती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा खाती है। हमारे दिमाग में चलने वाले अश्लील विचार या फिर नकारात्मक विचार कोई भी, वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे दिमाग की खाते हैं। इसलिए दिमाग को रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छा टिप्स जो है वो है गहरी नींद, डीप स्लीप। सोते सब है, मैं लंबी नींद की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, बेशक आप 6 घंटे सो जाओ, लेकिन जो आप सो रहे हो वो गहरी नींद होनी चाहिए आपकी। मतलब ये नहीं है कि सोते हुए भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, आपको रात को सोने से पहले अपना दिमाग इतना रिलैक्स कर देना है, इतना शांत कर देना है कि आपकी नींद ध्यान में बदल जाए और आपकी नींद जो है वो बिल्कुल गहरी नींद हो जाए और आप सुबह बिल्कुल रिलैक्स होकर उठे जल्दी, और आपके अंदर कोई थकान ना रहे। सुबह उठकर फिर आप शुद्ध ऑक्सीजन लो और वो शुद्ध ऑक्सीजन आपको पूरे दिन के लिए दिमाग और शरीर की एनर्जी देगी सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़िया। अब करना क्या है इसके लिए वो समझो। रात को सोने से पहले आपको सबसे पहले कोई भी बढ़िया किताब पढ़नी है, उसके बाद आपको सोने से 10 मिनट पहले ये करना है, आपको आलती पालती मारकर बैठ जाना है ध्यान की मुद्रा में, और आपको अपने गले की इस जगह पर ध्यान देना है जहाँ से शब्द निकलते हैं, समझ रहे हो, यहाँ से, यहाँ पर जो सांसें चल रही हैं इस पर ध्यान देना है, इस जगह पर ध्यान देना है। जब आप आंखें बंद करके गले की इस जगह पर ध्यान दोगे तो आपके सारे थॉट्स सीज हो जाएंगे, यानी रुक जाएंगे, और फिर आप जैसे ही आपको ये ध्यान करते समय नींद आ जाए तो वो नींद आपकी ध्यान में बदल जाएगी। और ध्यान रहे 10 मिनट से पहले नींद आ जानी चाहिए, और फिर आपको इतनी अच्छी नींद आएगी कि आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और अगले दिन भी बिल्कुल शांत रहेगा और आपके शरीर से फालतू की एनर्जी नहीं लेगा, या मतलब जो आपका दिमाग फालतू, शरीर आपके दिमाग से फालतू की एनर्जी लेता है ना, तो वो सब नहीं होगा। आपका दिमाग आपकी एनर्जी बहुत खाता है, फालतू की चिंता आपको नहीं होगी। इतनी पावरफुल नींद लेकर जब आप उठोगे, इससे आपका दिमाग शांत होगा और आपके अंदर भरपूर एनर्जी का निर्माण होगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि दिमाग आपका रिलैक्स है तो दिमाग आपका फालतू की एनर्जी शरीर से नहीं लेगा। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो ये कि आपको पूरा दिन अलग तरह का कंप्लीट पोषक तत्व लेने हैं, अलग तरह से, मतलब जैसे कि आप हर रोज़ जो भी खाते हो उससे आपको क्या मिलता है, ज़्यादातर आप क्या ले रहे हो न्यूट्रिशन में, प्रोटीन, कार्ब, फैट, बस। ज़्यादातर आपको अपने पूरे दिन की खुराक में यही पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन आपको एनर्जी अगर चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी ग्रोथ हो, मसल्स की ग्रोथ, कैसी भी ग्रोथ हो, दिमाग डेवलप हो आपका, एनर्जी आपके अंदर बनी रहे, तो आपको सीजन के फ्रूट खाने हैं हर रोज़, कम से कम 2 से 3 तरह के, जिसमें जैसे कि केला आपको हर रोज़ ब्रेकफास्ट में खाना है। केला कुदरत हर मौसम में देती है, क्योंकि केला एक ऐसा फल है जो कि एनर्जी, मतलब ऊर्जा का भंडार है। साथ में सलाद, कच्ची सब्जियां आपको हर रोज़ खानी है, और पानी आपका, ये भी भाई एक एनर्जी है, पानी आपको 2 लीटर से ऊपर पीना है पूरे दिन में, और गर्मी चल रही है कम से कम 2-4 लीटर तो पीना ही पीना है। साथ में आप ले सकते हो न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए ये मार्स बाय GHC का प्लांट बेस्ड विटामिन D3। सबसे खास चीज़ इसके अंदर आपको मिलेगी, विटामिन भरपूर मिलेंगे, विटामिन के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम इसमें आपको मिलेगा, जिंक आपको इसमें मिलेगा, कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, जो इसके अंदर विटामिन है वो आपके ब्लड सेल्स को बढ़ाएंगे, आपके शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मैग्नीशियम जो है इसके अंदर, जो मैग्नीशियम है उससे आपका मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारा न्यूट्रिशन ये आपकी बॉडी का पूरा करेगा। इसके अंदर आपको 60 टेबलेट मिल जाती हैं, जो कि आपको दिन में एक गोली लेनी है खाने के बाद, पानी के साथ एक बार, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ऑर्डर करा सकते हो। और इसके अलावा हेल्थ से, स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी सलाह आप फ्री में ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ऑर्डर करवा सकते हो। उसके बाद आता है आसन। अगर आप वर्कआउट करते हो, अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम करते हो, वर्कआउट करते हो, तो वर्कआउट से पहले आप 2 से 3 तरह के आसन जरूर करें अनुशासन के साथ।
अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय एक घंटा योग को जरूर दें। योग जो इंसान करता है उसका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है। कभी भी आप देख लेना जो योग कर रहा है लंबे समय से, और एक चीज़ और, योग का रिजल्ट भी आपको तभी के तभी दिख जाता है। आप दो चार दिन योग करके देखो और फिर शरीर में एकदम से बदलाव देखना कितना होगा। ना कोई आपको पेन होगा, बढ़िया से आप बहुत अच्छा लगेगा, मतलब बिल्कुल खुशी होगी आपको। सुबह से योग की शुरुआत करके देखना। और बहुत सारे योग है, प्राणायाम आप कर सकते हो, मैंने बता भी रखे हैं आपको, तीन से मतलब आधा घंटा भी दे देते हो ना आप भाई, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आपकी बॉडी में, बहुत सारा रिजल्ट मिलेगा। और जो भाई मुझे बोलते हैं मसल्स ग्रोथ, ये मेरे पाचन में सब चीज़, योग से, योग करने से हर एक प्रॉब्लम आपकी सही होगी, बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, तगड़ी बन जाएगी। पहले जितने भी महान पुरुष थे, योद्धा हुए, पहलवान हुए, सब योग करते थे। योग करने वाला इंसान वीरवान, और योग जो कर रहा है वो हमेशा बलवान होता है, दिमाग से भी, शरीर से भी, बुद्धि से भी, शरीर से भी, वो हमेशा बलवान रहता है। इसलिए योग पर ध्यान दे। और अगला पॉइंट, वीरवान आपको रहना है। ये एनर्जी जो है, इस एनर्जी को अगर ख़त्म करोगे तो आपका शरीर इसी एनर्जी को बनाने में लगा रहेगा। मतलब आप वीरानाश कर रहे हो तो आपका शरीर क्या करेगा, वीरा बनाने में ही लगेगा ना। तो इसी तरह ये आपकी बॉडी का पार्ट है भाई, इसको बाहर मत निकालो। अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो आपकी बॉडी यही बनाने में लगी रहेगी, आपको एनर्जी कहाँ देगी, ना आपके दिमाग डेवलप हो पाएगा ना आपका शरीर डेवलप हो पाएगा। छोटी ही चीज़ ये समझ लो, बस ये पॉइंट अपनाओ, सब फायदा होगा। अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।